अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मियापिया और मैं आपके साथ शेयर करती हूं पाकिस्तानी ब्रांड्स के हवाले से लेटेस्ट और सही वाली अपडेट्स। तो आज मैं मौजूद हूं क्रॉस स्टिच पे, क्योंकि क्रॉस स्टिच पे आनी थी इनकी रिमझिम कलेक्शन, जो कि फाइनली आ गई। ये काफ़ी ज़्यादा शोर था इसका इंस्टा पर और फेसबुक पर, तो फाइनली जी सूट आ गए हैं रिमझिम कलेक्शन के। अब कुड़ियों, आपने मुझे बताना है कि आपको कैसे लगे, ठीक है। 6,750 इसकी प्राइस है। फैब्रिक इनका जेकार्ड है, जेकार्ड ही की मोस्टली जो है शर्ट्स और दुपट्टे हैं, साथ एम्ब्रॉयडर्ड पैच है। एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी इनकी अच्छी होती है, तो इन वाले आर्टिकल्स की भी जो एम्ब्रॉयडरी क्वालिटी है वो अच्छी देखने में नज़र आ रही है। हाँ जी, सजल ने इसका फ़ोटोशूट किया था और बड़ा ये डिमांडिंग है आर्टिकल्स। अब लेट्स सी कि ये जब हाथ में आए हैं ट्रेल में, आप लोग देखेंगे तो आप इसके लिए क्या फीडबैक देते हैं, आपने मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताना है। ये इसका सेकंड कलर है और ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे तो। 6,750 इसकी प्राइस है। सेम जेकार्ड की शर्ट, साथ एम्ब्रॉयडरी का पैच, एम्ब्रॉयडरी ठीक है। ये इसका ट्राउज़र का पैच है, वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसको दामन या फिर इस पर भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। और ये इसका नेकलाइन का पैच है और ये वाली कोई और मॉडल है, बट ये वाला कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है येलो के मुकाबले में। और ये इसका साथ में दुपट्टा जेकार्ड का। जेकार्ड की अगर मैं बात करूँ तो जो इनका स्टफ़ होता है जेकार्ड का, वो थोड़ा सा अलक्रम से थिक होता है, अलक्रम का लाइट वेट होता है, बट अच्छा होता है इनका भी स्टफ़ जेकार्ड का। ये इसकी शर्ट है जेकार्ड की। और इसके साथ जो मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़, वो इनका नेकलाइन का एम्ब्रॉयडर्ड पैच था, इसमें मिरर वर्क रियल वाला हुआ हुआ है और साथ में इसका नेट का फुल्ली एम्ब्रॉयडर्ड सही हैवी वाला एम्ब्रॉयडर्ड इसका साथ में दुपट्टा है ये वाला। इस वाले डिज़ाइन के भी दो कलर्स हैं, ये अभी जो आप देख रहे हैं ये इसका डार्क वाला कलर है और इसके बाद जो मैं शो करूँगी वो इसका लाइट कलर है, जो कि सजल ने पहना। मेरे ख्याल में इतना लाइट कलर सिर्फ सजल पे अच्छा लग सकता है, हम लोगों पे तो बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। ये इसकी शर्ट है, बिल्कुल लाइट सा कलर है इसका, और इसकी भी शर्ट जेकार्ड की है, साथ में इसका नेकलाइन का एम्ब्रॉयडर्ड पैच मिरर वर्क के साथ, इसके ऊपर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई है, एम्ब्रॉयडरी इसकी नीट है, काफ़ी अच्छी इसकी एम्ब्रॉयडरी है। और ये साथ में इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका कंट्रास्ट में अच्छा लग रहा है इसका दुपट्टा ब्लू कलर में। सो ये वाला आर्टिकल भी हाँ बस सजल पे अच्छा लगेगा। क्या ख्याल है कुड़ियों, अगर आप सजल पे नहीं हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ना भी कहें तो भी ठीक है। ये वाला इनका आर्टिकल है जो कि मरजेंडा कलर का है, 6,500 इसकी प्राइस है। और इन्होंने पैच पे उल्टा लगाया है, अकलमंदों ने, देखो ज़रा पैच उल्टा है ये वाला। बाकी ये शर्ट इसकी जो है ये सारी जेकार्ड पर है और साथ में इसका दुपट्टा भी जेकार्ड पर है, अच्छा लग रहा है आर्टिकल ये वाला भी। इसमें भी दो कलर्स हैं, लेकिन ये वाला कलर जो है ये सारा एक ही तरह की कलर स्कीम पर है, तो मुझे तो कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो इसका दूसरा कलर है कंट्रास्ट में ब्लू और पिंक, ये अच्छा लग रहा है इसका। ये एम्ब्रॉयडरी पैच आप देखिए कितना नीच बना हुआ है। और ये इसकी शर्ट, शर्ट के ऊपर इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा वो क्लियर इसका जेकार्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, इस वाले कैटलॉग में जो आर्टिकल्स आए हैं टोटल 10 आर्टिकल्स हैं और हर डिज़ाइन के दो कलर्स हैं, मतलब टोटल इसमें आपको 20 सूट्स मिलेंगे। आपने तो एक ही बाय करना है ना। 5,950 इसकी प्राइस है। और ये वाला अच्छा आर्टिकल है, ये वाला इनका अभी तक का जो है वो जो आउटलेट पे मौजूद है आर्टिकल्स सबसे खूबसूरत इनका ये वाला सूट है। लाइट सा कलर है बट इसके ऊपर जो जेकार्ड वाइट सा है बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। नेकलाइन का पैच है इसका एम्ब्रॉयडरी का, और ये अच्छा लग रहा है ये वाला आर्टिकल। इसके भी दो कलर, दूसरा कलर अभी तक नहीं आया, लेकिन वो भी इसका कलर बहुत प्यारा सा है, लाइट है वो कलर जो इसका सेकेंड कलर है। ब्लैक लवर्स के लिए ये भी जेकार्ड पर है, एम्ब्रॉयडरी का पैच है। अच्छा, ये आर्टिकल जो आए हैं सारे के सारे क्रॉस स्टिच के, ये फेस्टिव के हवाले से आए हैं, क्योंकि आगे ईद भी है, फिर ईद के फौरन बाद वेडिंग सीजन्स भी है। तो अगर आपने कोई वेडिंग सीज़न के हवाले से अगर आपने कोई सूट बाय करना है, जैसे गर्मी भी है, तो ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे भी रहते हैं और काफ़ी जो है बजट फ्रेंडली भी होते हैं। और ये कि आप इनको बाद में किसी और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। 6,150 ये वाला सूट बहुत मुझे अच्छा लगा है, रेड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन है, इसकी नेक लाइन है सारी की सारी, और इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी जो है ना वो ब्राइट सा था। ये इसके ऊपर सारा जेकार्ड बना हुआ है, इसका जेकार्ड फिनिशिंग बहुत अच्छी है इनकी, और साथ में इसका येलो कलर का दुपट्टा। तो ये दोनों भी आर्टिकल इसी कैटलॉग के हैं जो कि रिमझिम के नाम से इनकी आई है। ये वाला आर्टिकल 6,250, और ये भी इसका लाइट सा कलर है, एक इसका डार्क कलर, आई थिंक पीच कलर है, वो भी अभी नहीं आया, अभी कुछ आर्टिकल्स इनके पेंडिंग में है। और ये इसकी भी शर्ट सारी जेकार्ड पे बनी हुई है और साथ एम्ब्रॉयडरी के पैचेस, और ये साथ में इसका दुपट्टा,
दुपट्टा इसका अच्छा लग रहा है, मॉडल ने जो वेयर किया है वह ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाले जो उनके आर्टिकल्स हैं अभी पेंडिंग हैं और होप सो कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे। ये इनके आई थिंक हिट कोड जाएंगे क्योंकि ये आउटलेट्स पर नहीं है लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपने बाय करना हो, क्योंकि स्टफ़ का आपको अंदाज़ा हो गया है कि जैकार्डी मोस्टली स्टफ़ और अच्छा स्टफ़ और प्राइस रेंज भी इनकी यही जा रही है, तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ये इनकी शर्ट्स रेडी टू वेयर की, ये भी इनकी न्यू अराइवल की शर्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, वाइट चुनरी प्रिंट की तरह की है। 3,250 इसकी प्राइस है और इसके ऊपर सारा ये बीट वर्क हुआ हुआ अच्छा लग रहा है। अगर आपने मुझे ऑर्डर प्लेस करना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है, आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये इसकी जो है ना, इस पर लेस लगी हुई अच्छा लग रहा है आर्टिकल। ये भी इनका न्यू अराइवल का आर्टिकल है, जब भी इनकी न्यू कलेक्शन आई है, ये सब जो आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इनके न्यू अराइवल के आर्टिकल्स हैं। और ये वाली शर्ट जिसके बाद वाली है नेक्स्ट, बहुत मुझे अच्छी लगी है। इसके ऊपर जो नेकलाइन के ऊपर मिरर वर्क के साथ एम्बेलिशमेंट की हुई अच्छी लग रही है। कड़ियों के आइडियाज़ भी होते हैं ना, जब आप लोग की चीज़ को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, स्टिच कर रहे होते हैं, तो इस तरह के आइडियाज़ बड़े काम आते हैं। ये इसका कंप्लीट लुक इस वाली शर्ट का, वैसे ये जस्ट सिंगल शर्ट है, स्टफ़ इसका लॉन है और 2850 इसकी प्राइस है। वाइट वन अच्छी लग रही है शर्ट, ये वाली भी, इसके ऊपर लेस लगी हुई मिरर वर्क वाली, 5,850 इसकी प्राइस है। सिंगल शर्ट की प्राइस बता रही हूँ, सूट नहीं है, सिंगल शर्ट, ये इसका लुक है सारा। और ये वाली शर्ट भी अच्छी लग रही है, ये इसकी स्लीव्स के ऊपर इस तरह से मिरर वर्क है और अच्छी शर्ट है ये भी, क्या ख्याल है। नेक्स्ट ब्लू वन जैकार्ड पे बनी हुई शर्ट है, नेकलाइन के ऊपर इसका मिरर वर्क हुआ हुआ है, छोटे बड़े दोनों तरह के शीशे लगे हुए हैं, ये जैकार्ड पर है और साथ में इसका जो है वो लेस, वो एम्ब्रॉयडरी का पैच लगा हुआ है दामन पे और स्लीव्स पे। कलर इसका रियल में बहुत ही मज़े का है, डार्क सब जो है ना ब्लू कलर है, अच्छा लग रहा है ये वाला आर्टिकल भी। एंड प्राइस 3,750 इस वाले आर्टिकल की प्राइस है। ये वाली शर्ट इनकी मुझे अच्छी लगी थी एम्ब्रॉयडरी के पैच के साथ, और इस पर भी मिरर वर्क का थोड़ा सा इन्होंने डिज़ाइनिंग इसकी की हुई है, अच्छे आइडियाज़ इनके मिरर वर्क के साथ जो है ना वो फिनिशिंग कर देते हैं, ज़रा शक्ल चेंज हो जाती है प्रिंट की। और ये वाला भी कलर इसका बहुत अच्छा है, स्टफ़ इसका जैकार्ड, लॉन्ग जैकार्ड है, सॉफ्ट सा स्टफ़ है, इसकी स्लीव्स के ऊपर लेस लगी हुई है। आजकल यही चीज़ें जो है ना वो ट्रेंड में है, हर दूसरी आउटलेट पर, हर दूसरे ब्रांड पे आपको यही कुछ नज़र आ रहा है मोस्टली। ये वाला इनका जो है वो टू पीस है, शर्ट एंड दुपट्टा, और ये इनके लग्जरी का आर्टिकल है, जो इनके लग्जरी कलेक्शन आती है ये इसका आर्टिकल है। ये इसकी स्लीव्स बनी हुई है और कैंजा का पैच प्लस लैस के साथ उसके ऊपर सारा वर्क हुआ हुआ है, अच्छा लग रहा है इसका। और साथ में इसका दुपट्टा जो है वो नेट का है और उस पर भी जो है वो लैस लगी हुई है और अच्छा लग रहा है। ये वाला आर्टिकल इनका टू पीस है, शर्ट एंड दुपट्टा। तो ये छोटी सी आज की वीडियो थी, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे क्रॉस स्टिच के आर्टिकल्स का, तो वो बस जितने हैं मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आपको कैसे लगे आपने मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताना है। गला मेरा थोड़ा सा ख़राब है कुड़ियों, सो आप लोगों ने इग्नोर कर देना, दुआ करें मैं ठीक हो जाऊँ जल्दी से। ये वाला आर्टिकल भी इनका बहुत प्यारा है और शर्ट एंड दुपट्टा टू पीस है ये वाला भी, और इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी है, साथ में जो है वो फॉइल वर्क है, नॉट मिरर वर्क, फॉइल वर्क हुआ है। फ्रॉक बनी हुई है और फ्रॉक्स आजकल काफ़ी ज़्यादा इस तरह से जो है वो ट्रेंड में चल रही हैं। किस किस की ईद की शॉपिंग हो गई है, किस किस की ईद की शॉपिंग बाकी है, आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, मैं भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ। और मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।